प्रधान की चल रही है दबंगई। प्रयागराज जिले के मीजा थाने में FIR दर्ज होने के बावजूद अनीता देवी पत्नी रामबाबू केशरवानी ग्राम दुबेपुर की नहीं हो रही सुनवाई, गाली दे रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं। अनीता देवी अपनी ही जमीन पर बाउंड्री बनवाई थी। गांव के ही प्रधान बेचन निषाद, मनीष पुत्र मदन माली, बिंदु व बुद्धू पुत्रगण लल्ला माली, सुजीत पुत्र मदन मोहन माली, पवन व विनु पुत्रगण रमेश माली एवं गोविंदा पुत्र सुरेश माली एकमुख से लाठी डंडे लेकर गाली गलौच देते हुए अनीता को मारने लगे। बीच बचाव में आई पुत्री को भी मारा पीटा और उसके कपड़े फाड़ते हुए अश्लील हरकत करने लगे। शोरगुल सुनकर दौड़ी ग्रामीणों ने बचाया, फिर भी शासन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई सुरक्षा व न्याय नहीं मिला। पीड़िता न्याय पाने को दर दर भटक रही। प्रयागराज जिले से ब्यूरो चीफ विनय विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। हाँ, क्या घटना हुई आपके साथ? घर तोड़ दिए वो लोग। कौन कौन थे? मनीष थे, पवन थे, और क्या कहते गंधु थे, बुदुल थे, विमल थे, ये सब और सब बहुत लोग थे, सब तोड़ फोड़ के गांव प्रधान थे। ग्राम प्रधान का क्या नाम था? बेचन। बेचन, किस तारीख की घटना है आपकी? 20 तारीख, 20/10/18 को। तो आप थाने पे गई थी? हाँ, थाने पे हम गए। थाने वाले नहीं आए? नहीं आए ना। कहीं से कोई शिकायत नहीं? कोई नहीं आया। तहसील दिवस पे भी गई थी? तहसील दिवस पे 2 बार गई। थाना दिवस पर भी गई थी? नहीं, शनिवार को गई। हाँ गई थी। थाना दिवस पर भी गई थी? हाँ गई थी। कहीं से कोई नहीं आया? बोले आप भेजे रहे, आएंगे आएंगे, कोई आया ही नहीं आज तक। अच्छा, चौकी पे गई, चौकी से चौकी इंचार्ज बोले चलो हम आ रहे हैं, गए नहीं। कौन है चौकी इंचार्ज? राकेश राय। राकेश राय सिरसा चौकी इंचार्ज राकेश राय जी थे। वो क्या बोले? वो बोले चलो हम आ रहे हैं। मारे हैं फिर गए नहीं? फिर वो नहीं गए। फिर एक दिन रात में सब लड़के लोग जुट के बनाए कि इसको मारे। हाँ? तो हम लोग फिर राकेश राय के पास फोन किए कि अगर कोई घटना होगा तो उसका जिम्मेदार आप होंगे। फिर घटना हुई आपके साथ? नहीं हुई, वो लोग जब सुने तो लोग भाग गए।